4, 3, 2, 1, Maths. Hi students, कैसे हैं? देखिए आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कह रहा है find two positive numbers x and y. दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो x और y के रूप में है, such that their sum is 35. तो इन दोनों का सम जो दे रखा है 35 दे रखा है, तो यानी दो नंबर्स हैं x और y और इनका सम 35 दे रखा है. तो ये हमने पढ़ा और लिख लिया. And the product x square to x to power 5 is maximum. तो यानी इनका जो प्रोडक्ट है क्या x square और y की पावर 5, इसको हमारे को क्या करना है, मैक्सिमम करना है. तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको हम जानते हैं कि अगर हमारे इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमारे को a की वेरिएबल में लिखना पड़ेगा. अगर हमारे को इसको a की वेरिएबल में लिखना है तो हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 35 - x. 35 - x अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये. अगर हम इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन के लिए हमारे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो dp / dx = x² ऐसी केस है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 5 आगे और ये बचेगा 35 - x^4. फिर -35 - x का होगा तो बचेगा -1. फिर आ जाएगा प्लस 35 - x^5 ऐसी केस है, और फिर x² का होगा तो हो जाएगा 2x. तो अब हमने देखा, क्या देखा कि हमारा डिफरेंशिएशन आ गया. हम जानते हैं इसके बाद हमारे को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया उसको हमारे को 0 के इक्वल कर देना है. तो अगर हम इसको 0 के इक्वल कर ले तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x² माइनस का 35 - x^4 प्लस 35 - x^5 * 2x = 0. अब इसको उधर ले जाइए ताकि नमस्ते हो पाए इजीली. तो ये हो जाएगा माइनस का 5x² * 35 - x^4 = अगर अपन इसको उधर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 35 - x^5 * 2x, कुछ इस तरीके से बचेगा ये. अब हम नमस्ते कर सकते हैं माइनस से, तो माइनस की नमस्ते हो जाएगी 35 - x^4 से, ये नमस्ते हो जाएगा. तो सिर्फ एक 35 - x बच जाएगा, एक x से एक x नमस्ते हो जाएगा. अब मेरे पास जो नेट रिजल्ट बच रहा है वो इधर तो बच रहा है सिंपली 5x, और उधर की साइड जो बच रहा है वो बच रहा है मेरे पास 70, और ये बचेगा माइनस का 2x. तो अगर मैं क्या करूं 2x को इधर लियो तो ये बचेगा 7x = 70. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10. तो मैंने देखा कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके मैं जो क्रिटिकल पॉइंट है x की वैल्यू 10 निकाल ली. अब हमारे को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको इजी फॉर्म में लिख लूंगा ताकि मेरे को कम मेहनत हो. तो अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो देखिए क्या हो जाएगा, dp / dx = आप देख रहे हैं इसके अंदर से जो कॉमन आ रहा है मैं कॉमन ले लेता हूं. क्या-क्या कॉमन आ रहा है, 35 - x^4 कॉमन आ रहा है, 35 - x^4 कॉमन आ रहा है, और इसमें से एक x भी कॉमन आ रहा है 35 - x^4 गया, x गया, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. तो मेरे पास जो नेट रिजल्ट बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो बच गया मेरा एक 5x माइनस का, ये बचा माइनस का 5x दिख रहा है आपको, ये एक x, ये 5 और एक माइनस, और इधर जो बचा वो बचा 2 × 35 - x. 2 × 35 - x का मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 70 - 2x. तो ये बचा प्लस का 70 और माइनस का 2x. इसको थोड़ा और प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हम इसको प्रोडक्ट रूल लगा पाए. तो ये हो जाएगा देखिए 35 - x^4, ये बचेगा मेरा 70 - 7x. इसको x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा 70x माइनस का 7x². ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया ताकि अब मैं इसके अंदर इजीली प्रोडक्ट रूल लगा पाऊं. अगर मैं इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए d2p / dx² = ये वाला ऐसी केस है 35 - x^4 ऐसी केस है. इस वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, इस वाले के डिफरेंशिएशन में ये तो 70 रह जाएगा और ये रह जाएगा माइनस का 14x. 7 ऐसी केस है, 2 आगे आ जाएगा तो बचेगा माइनस का 2x, 2 × 7 = 14 प्लस. अब ये वाली चीज ऐसी केस है तो 70x - 7x² ऐसी केस है, और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4 तो आगे आ जाएगा,
और ये बचेगा 35 माइनस एक्स की पावर 3, 35 माइनस एक्स की पावर 3 और फिर ये माइनस एक्स का होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन क्लियर है कि कैसे किस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। थोड़ा टेक्निकल जरूर है लेकिन नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। अब हम जानते हैं क्या कि अगर हम 10 पुट करें यहाँ पे x की जगह तो मेरी टर्म क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अगर नेगेटिव आएगी तो ही प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू 10 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा 25 की पावर 4। यहाँ पे अगर 10 पुट करेंगे तो 70 माइनस 140 कितना होता है, माइनस का 70 प्लस। अगर यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे तो 700 तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 700 हो गया, ये भी 700 हो गया, 0। तो आगे की सारी की टर्म क्या हो गई, 0। आगे पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम देखेंगे ये जो आ रहा है, ये आ रहा है मेरा माइनस का 70 × 25 raised to the power 4 तो विच इज लेस देन 0। हमने देखा माइनस 70 आ गया तो वो लेस देन 0 होता है। अगर ये लेस देन 0 है तो इट मींस When x is 10, the product is maximum, क्योंकि less than 0 आ गया x के value 10 put करने पर। अब हम x के value 10 यहाँ पे put कर देंगे तो y is equal to कितना आ जाएगा, 25। यानी y 25 हो और x 10 हो तभी इसका product क्या होता है, maximum होता है। तो I hope आपको ये चीज़ clear है। फिर भी कुछ doubt हो, कुछ पूछना हो तो as always please do let us know। Thank you।